Dear students, now we are going to study the concept of cyber stalking. Uh, cyber stalking refers to the use of the internet and other technologies to harass or stalk another person online. Whenever you use social media or any form of internet technology to harass someone else, it is referred as cyber stalking and uh, cyber stalking is the use of internet or other electronic means to stalk and harass an individual group or organization. so uh, uh, when we talk about the cyber, uh, cyber stalking, uh, uh, sometimes social media users use it as a strategy to harass uh, a group of individuals or a community or an, an organization. and this kind of uh, behavior is also called cyber stalking. सो साइबर स्टॉकिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ साइबर बोलिंग एंड दोज हु इंगेज इन दिस बिहेवियर यूज़ अ वैरायटी ऑफ टैक्टस यानी जो साइबर स्टॉकिंग को एज अ स्ट्रेटी यूज़ करते हैं दूसरों को खौफजदा करने के लिए हराश करने के लिए उनके पास डिफरेंट टेक्टस uh, होते हैं uh, जिसके तहत वो ये स्टॉकिंग uh, करते हैं इसमें उनके पास टेक्निक्स टू हराश हिमिलेट इंटीमिडेट एंड कंट्रोल देयर टारगेट्स होती हैं यानी वो हो सकता है आपका आ, कोई आ, आ, जो है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की बेसिस पे आपको हरायश करें वो सह हो सकता है कि आपकी जो हो आ, जो पिक्चर्स हैं उनके पास हो या कोई प्राइवेट जो है आपकी कम्युनिकेशन है किसी के साथ वो उनके पास हो और उसकी बेसिस पे वो आपको टारगेट करें और हरास करें इन इट इंक्लूड्स फॉल्स एक्यूजेशन, डिफेमिनेशन, सिलेंडर एंड लाइबल तो जब हम साइबर स्टॉकिंग की बात करते हैं तो लोग जो साइबर स्टॉकर्स होते हैं उनकी ये भी अटैम्प्ट होती है कि वो आपके अगेंस्ट फॉल्स एक्जिशन करें और डिफेमेशन का प्रोपोगंडा इनिशिएट करें इट आल्सो इंक्लूड्स आइडेंटिटी थेफ्ट थ्रेट्स, स्पेंडलिज़म और ब्लैक मेलिंग जब हम साइबर स्टॉकिंग की बात करते हैं तो उनकी स्ट्रैटजीज़ में ये भी एक टैक्टिस शामिल होता है कि वो आपकी जो है आइडेंटिटी को की बेस पे कोई नई सोशल मीडिया प्रोफाइल्स जनरेट कर सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं और या आपकी कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो है उसको उसकी बेसिस पर आपको ब्लैक कर सकते हैं या आपको थ्रेट कर सकते हैं साइबर स्टॉकिंग हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज अ वाइड रेंज ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर दोज हु आर टारगेटेड तो ये जो साइबर स्टॉकिंग है अगर कोई इसको परपेचुएट कर रहा है और जिसको के ख़िलाफ़ परपेचुएट कर रहा है उसको विक्टम ऑफ साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है तो ये देखने में आया है जो विक्टम्स ऑफ साइबर स्टॉकिंग होते हैं उनके उनको बहुत सारे मिसाइल का सामना हो सकता है वो सोशली आइसोलेट हो सकते हैं वो साइकोलॉजिकली मुख्तलिफ इश्यूज का शिकार हो सकते हैं और ये भी देखा गया है कि कुछ लोग जो विक्टम्स ऑफ साइबर स्टॉकिंग होते हैं वो इतने ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं देख देख मे सुइसाइड्स एंड अटेम्प ऑफ सुइसाइड्स एज वेल एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द परपैचुएटर्स ऑफ साइबर स्टॉकिंग या हम साइबर स्टॉकर्स की जब बात करते हैं तो रिसर्च हमें ये बताती है कि ये साइबर स्टॉकर्स जो होते हैं कुछ तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं कुछ पर्सनली मोटिवेटेड होते हैं और कुछ के पर्सनालिटी इश्यूज होते हैं जिसकी बुनियाद पर वो इसको एज आ फ़न लेते हैं इसको एज आ फन सीकिंग एक्टिविटी लेते हैं और कुछ इसको फॉर इकोनॉमिक गेंस एज आ स्ट्रेटी यूज़ करते हैं और दिस इज़ वाई साइबर स्टॉकिंग इज़ कंसिडर्ड एज आ कराइम इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तान में भी uh, जो साइबर स्टॉकिंग है इसको साइबर क्राइम समझा जाता है और दुनिया भर के uh, बहुत ज़्यादा ममालिक में साइबर uh, स्टॉकिंग को साइबर uh, क्राइम के ज़ुमरे में लाया जाता है और ये एक पनिशेबल ऑफेंस है